गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार. यू ऑल आर वॉचिंग ई विद्या चैनल नंबर 10 एंड आई एम कुसुम प्रसाद. डियर स्टूडेंट, दिस सेशन इज फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स एंड द सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स एंड द चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न इज टुडे स्टडी टुडे इज प्रोबेबिलिटी पार्ट 1. एंड टू टीच दिस सब्जेक्ट अवर टुडेज एक्सपर्ट इज मिस सविता ग्राक मैम. नमस्कार मैम, वेलकम इन दिस सेशन. जी नमस्कार, और हमारे सभी दर्शकों को भी नमस्कार. जी मैम इज टीचर फ्रॉम गीता निकेतन आवासीय विद्यालय सलारपुर रोड कुरुक्षेत्र. सो मैम विल टीच यू अबाउट दिस चैप्टर एंड सो स्टूडेंट्स यू कैन सेंड योर फीडबैक ऑन अवर वेरियस मीडियम. यू कैन कॉल अस ऑन अवर फोन नंबर दैट इज 8800440559 एंड यू कैन ऑल्सो ईमेल अस ऑन अवर ईमेल आईडी दैट इज dth.class10@ciet.nic.in. So these are the various medium where you can contact us and you can send your queries, your feedback. So let's begin this session and we move to our expert Savita ma'am. Yes ma'am, let's begin this session ma'am. जी कुसुम मैम, तो हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की. टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग. इट इज प्रोबेबिलिटी फ्रॉम क्लास 10. तो प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं और अगर हम सीधा सीधा इसका हिंदी ट्रांसलेशन वर्ड बोलते हैं, दैट इज प्रायिकता. प्रोबेबिलिटी को अगर हम ज्यादा अच्छे से समझना चाहें तो इट सिंपली मीन चांसेस. किसी भी काम के होने के कितने प्रतिशत चांसेस हैं. तो इसके लिए हम एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे कि हम देख सकते हैं इन द फर्स्ट पिक्चर, हम एक बॉल, बास्केटबॉल है यहाँ पर, बास्केट है यहाँ पर. कोई प्लेयर ऑफ बास्केटबॉल बॉल को बास्केट के अंदर डालने की कोशिश करेगा, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कभी भी बास्केटबॉल नहीं खेली, फॉर द फर्स्ट टाइम ही इज ट्राइंग टू पुट द बॉल इन द बास्केट, तो दोनों में से किसके ज्यादा चांसेस हैं कि बॉल जो है वो राइट हिट कर जाए, बास्केट के अंदर चली जाए. अनडाउटेडली जो प्लेयर है उसी की बॉल के जाने के ज्यादा चांसेस हैं. और अगर हम अनोइंगली नॉर्मली डिस्कस करें तो क्या हो सकता है, इन जनरल बॉल या तो बास्केट के अंदर जाएगी या तो बास्केट के अंदर नहीं जाएगी. तो इन चीजों को हम डिस्कशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द प्रोबेबिलिटी. ऐसे ही इन द सेकेंड इमेज हम देख सकते हैं, देयर इज अ प्लेयर, देयर इज अ बैट्समैन हु इज ट्राइंग टू हिट द बॉल, और बैट्समैन के पीछे हमारे पास विकेट कीपर इज देयर. तो क्या हो सकता है, अगर विकेट कीपर के हाथ में बॉल जाती है तो वो बैट्समैन आउट भी हो सकता है, या हो सकता है बॉल सीधा ही आए और विकेट्स को हिट कर जाए. तो ये सब जो चीजें हैं, किसी भी चीज के होने के चांसेस आर नोन एज प्रोबेबिलिटी. नाउ लेट अस डिस्कस अ फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी. सीधी सीधी बात अगर हम बात करें कि किसी भी इवेंट के, अब इवेंट क्या है उसकी भी हम डिस्कशन करेंगे, हैपन होने के कितने डिग्री है उस चीज की सर्टेनिटी की. अगर इन जनरल वर्ड्स हम बात करें कि कोई भी चीज के लिए तीन केसेस टोटल हो सकते हैं इन द वर्ल्ड, या तो सर्टेन टू हैपन, या तो थिंग कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, और तीसरा चांस हो सकता है कि वो कभी हैपन ही नहीं हो सकती. तो एक बार हम एक एग्जांपल की हेल्प से इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं. जैसे आज हम सभी को पता है इट इज फ्राइडे, तो अगर मैं बोलती हूँ टुमोरो इट विल बी सैटरडे, undoubtedly Friday से जो next day होता है वो Saturday ही होता है. That means कि this thing is certain to happen, पक्का होके ही रहेगी, इसे कोई नहीं बदल सकता. But if I will say that tomorrow it will be Thursday or tomorrow it will be Monday after Friday, ऐसा कभी भी possible नहीं है. That means that thing cannot happen. और एक तीसरी चीज होती है, that is can happen but not certain. उसके लिए हम यहाँ पर एक example देख सकते हैं. जैसे आपने एक कॉइन टॉस किया, कॉइन को टॉस करने पर हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए. तो अगर मैं पूछती हूँ हेड आने के कितने चांसेस हैं, तो इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है कि हेड आ जाए बट वी आर नॉट श्योर कि पक्का कॉइन को टॉस करने पर हेड ही आएगा. इसी तरह से हो सकता है कि ये बॉल बास्केट के अंदर चली जाए बट इट इज नॉट श्योर कि पक्का चली जाएगी. हो सकता है ये प्लेयर आउट हो जाए, हो सकता है सिक्स लग जाए बट दैट इज नॉट सर्टेन. तो दीज थिंग्स आर अंडर द सर्कमस्टेंस विच कैन हैपन बट नॉट सर्टेन.
तो प्रोबेबिलिटी से जो चीजें हो तो सकती हैं बट सर्टेन नहीं है, उनका थोड़ा सा डिग्री ऑफ मेजरमेंट, डिग्री ऑफ सर्टेनिटी निकालने का जो मेथड है उसी को हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी। नाउ लेट अस डिस्कस एक्सपेरिमेंट। व्हाट डू वी मीन बाय एक्सपेरिमेंट डियर व्यूअर्स? सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी के अंडर जो हम एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे दीज आर नॉट योर साइंस एक्सपेरिमेंट्स। लैब में जाकर हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं। कोई भी छोटा छोटा टास्क जो हम करने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने एक कॉइन टॉस किया, दैट इज एन एक्सपेरिमेंट। हमने एक डाई टॉस की, दैट इज एन एक्सपेरिमेंट। एक बैग के अंदर कुछ रेड कलर की बॉल्स हैं, कुछ ब्लू कलर की बॉल्स हैं, कुछ येलो कलर की बॉल्स हैं, और हम उन बॉल्स में से एक बॉल निकालने की कोशिश करते हैं, दैट इज एन एक्सपेरिमेंट। तो इन सब चीजों को हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंट। एंड इन सिंपल वर्ड्स, इन डेफिनेशन फॉर्म, हम बोल सकते हैं एन ऑपरेशन विच रिजल्ट्स इन वेल डिफाइंड आउटकम्स इज नॉन एज एन एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट के बाद बात करते हैं कि व्हाट डू मीन बाय रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज दैट इन विच ऑल द पॉसिबल आउटकम्स आर नोन। पॉसिबल आउटकम्स का मतलब है जितनी भी पॉसिबिलिटी बन पाती है। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 से डिस्कस किया है कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो कितने पॉसिबल केसेस हैं। एक कॉइन को टॉस करने पर दो ही पॉसिबल केसेस हैं, या तो आपके पास हेड या तो आपके पास टेल की आने की पॉसिबिलिटी है। तो दिस एक्सपेरिमेंट इज नॉन एज एन रेंडम एक्सपेरिमेंट। लेकिन हमें ये नहीं पता एग्जैक्टली कौन सा आउटकम आ सकता है। ऑल राइट, इसी तरह से अगर आपके पास 52 कार्ड्स टोटल हैं, इफ यू ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स। कार्ड्स के बारे में हमारे सभी व्यूअर्स जानते हैं, हम आज भी एक बार कार्ड्स को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। वी मे गेट अ कार्ड ऑफ एनी सूट। 52 कार्ड्स में से आपने शफलिंग की, और शफलिंग करके बिना देखे कोई भी एक कार्ड आप निकालते हैं तो वो कार्ड कोई भी सूट का हो सकता है। नाउ लेट अस डिस्कस फर्दर ट्रायल। व्हाट डू वी मीन बाय अ ट्रायल? इफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड ओनली वंस। अगर हम रैंडम एक्सपेरिमेंट को एक बार करते हैं, एक ही बार 52 में से कोई भी एक कार्ड निकाल रहे हैं, दैट इज नॉन एज अ ट्रायल। एंड व्हाट डू वी मीन बाय सैंपल स्पेस? हमारे व्यूअर्स को ये अच्छे से पता होना चाहिए, सैंपल स्पेस को अगर इन जनरल हम बोलते हैं, दैट इज शोकेस ऑफ द पर्टिकुलर थिंग्स। जैसे हम बात करते हैं कि एक कॉइन को हमने दो बार टॉस किया, तो दो बार टॉस करने पर या तो आपके पास हेड या तो आपके पास टेल के आने के चांसेस हैं। हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, बट हमने कॉइन को ट्वाइस टॉस किया है, दैट मीन्स फर्स्ट टाइम हेड और टेल, इसी तरह से सेकेंड टाइम भी हेड और टेल कुछ भी आ सकता है। सो द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स of any random experiment is known as the sample space, और sample space को हम show करते हैं with the help of the alphabet S। अब first toss में head और tail, तो हम क्या कह सकते हैं sample space क्या हुआ? हो सकता है first toss में head आए और second toss में भी head आए, हो सकता है first toss में head लेकिन second toss में tail आ जाए। इसी तरह से अपोजिट पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि फर्स्ट टाइम पर टेल, सेकंड टाइम पर हेड, और फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही टॉसेस में क्या आ जाए, टेल आ जाए। तो जब आप एक कॉइन को ट्वाइस टॉस कर रहे हैं, दो बार टॉस कर रहे हैं, तो दीज फोर आउटकम्स विल बी पॉसिबल। सो इसीलिए इन चारों आउटकम्स को जब हमने शोकेस किया, दिखाया, प्रेजेंट किया, तो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एस, और इसे हम बोलेंगे सैंपल स्पेस। Now let us discuss various types of events. Event क्या होता है? Any subset of the sample space. अब sample space हमने अभी-अभी देखा, यहाँ पर एक example की help से event हम discuss करेंगे. Let me say that A is the event of getting two heads. यानी हमने एक कॉइन को ट्वाइस या दो कॉइन को इकट्ठे एक साथ से जब टॉस किया, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं आपके पास? हो सकता है कि दो हेड आ जाए, हो सकता है एक हेड एक टेल, फर्स्ट कॉइन पर हेड सेकंड पर टेल, लेकिन हमने ए इवेंट को सपोज किया है, दैट दिस इज द इवेंट ऑफ गेटिंग टू हेड्स। सो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी फॉर दैट? इट इज एच। ऑलराइट, तो ए जो हमारा इवेंट है ये होगा सैंपल स्पेस ऑफ
Yes, subset of the sample space. Now let us discuss different types of event. किस किस तरह के इवेंट्स हो सकते हैं? सबसे पहले हमने लिखा है null event और empty event. नाम से ही क्लियर है, ऐसा इवेंट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता. जैसे अभी हम एक एग्जाम्पल यही ले लेते हैं कि हमने एक पॉइंट को दो बार टॉस किया और मैं आपसे पूछती हूँ कि या आपको बोलती हूँ कि A एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर इसी सैंपल स्पेस में से थ्री हेड्स आ जाए. तो थ्री हेड्स कैसे आएंगे? हमने थ्री कॉइंस टॉस ही नहीं किए, विच इज नॉट पॉसिबल. तो इस तरह के इवेंट को नल इवेंट बोलेंगे और नल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो होती है क्योंकि हमें क्लियर है कि ये चीज तो हैपन ही नहीं हो सकती. इसी तरह से नेक्स्ट इज श्योर इवेंट. दिस इज टोटली अपोजिट टू नल इवेंट. श्योर इवेंट का मतलब ऐसा इवेंट जो गारंटेड पक्का हमारे पास कंप्लीट सैंपल स्पेस को लेकर चलता है. अगर हम बोलते हैं कि बी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड इन द टॉसिंग ऑफ टू कॉइंस, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? हो सकता है एक हेड आ जाए. हो सकता है दो हेड्स आ जाए क्योंकि हमने जब लिखा था यहाँ पर एटलीस्ट वन हेड तो उसमें एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं इस पॉइंट को. डियर व्यूअर्स, अगर हम लिखते हैं एटलीस्ट वन हेड तो आपके पास थ्री केसेस ही यहाँ पर काउंट हो सकते हैं, जहां पर वन हेड आ रहा है वो दोनों केसेस और जहां पर दोनों हेड्स हैं वो केस. टेल केस यहाँ पर डिस्कस नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये इवेंट अभी श्योर इवेंट नहीं है. श्योर इवेंट होने के लिए आइदर वी नीड टू चेंज द इवेंट. लेट मी सी दैट देयर इज अनदर इवेंट, इवेंट सी, और इवेंट सी के अंदर हमारे पास हम बात करते हैं दैट सी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग आइदर हेड और टेल. हेड्स आ जाए या टेल आ जाए तो उस केस में आपके पास ये चारों ही वैल्यूज जो हैं वो काउंट होंगी. दैट मीन्स दैट इज नॉन एज द श्योर इवेंट और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है वन. नाउ द नेक्स्ट इज सिंपल इवेंट. सिंपल इवेंट इज द इवेंट विच कैरी ओनली एंड ओनली वन एलिमेंट इन इट. जैसे मैं बात करती हूँ दैट इन द सेम केस बी और सी और डी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड्स. तो अगर डी इवेंट के अंदर हमने एग्जैक्टली टू हेड्स लिए हैं दैट मीन्स एच एच इट विल बी काउंटेड ओवर देयर. सो दिस इज नॉन एज द सिंपल इवेंट. इसी तरह से कंपाउंड इवेंट, ऐसा इवेंट जिसके अंदर मोर देन वन एलिमेंट हो. जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर इस इवेंट के अंदर देयर आर थ्री वैल्यूज सो इट इज अ कंपाउंड इवेंट. कंपाउंड इवेंट के बाद हम बात करेंगे फेवरेबल केसेस और एग्जॉस्टिव केसेस. तो लेट अस डिस्कस एग्जॉस्टिव केसेस द फर्स्ट. एग्जॉस्टिव केसेस मतलब जितने भी हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं उन सभी टोटल पॉसिबल आउटकम्स को हम एग्जॉस्टिव केसेस की काउंटिंग में ले सकते हैं. जैसे एक कॉइन को ट्वाइस टॉस करने पर हम देख सकते हैं देर आर टोटल फोर केसेस. सो एग्जॉस्टिव केसेस विल बी नॉन एज फोर. नेक्स्ट इज फेवरेबल केसेस. फेवरेबल केसेस का मतलब हुआ कि जिसकी फेवर में हम काम कर रहे हैं. जैसे अगर मैं बात करती हूँ फाइंड द प्रोबेबिलिटी, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है किस इवेंट की निकालनी है ऑफ गेटिंग आइदर टू हेड्स और टू टेल्स. तो आइदर टू हेड्स दैट मीन्स एच एच और टू टेल्स दैट मीन्स टी टी. तो हमारे पास फेवरेबल केसेस ये दो हुए उस स्टेटमेंट के, उस इवेंट के फेवर में ये दोनों केसेस हैं जो हमने अभी बोली आइदर टू हेड्स और टू टेल्स. तो इसका मतलब फेवरेबल केसेस हुए टू. हमें फेवरेबल केसेस और एग्जॉस्टिव केसेस को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी निकालना सीखना है और प्रोबेबिलिटी के लिए फेवरेबल और एग्जॉस्टिव केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड. देन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. हियर सी, हियर आई हैव रिटन दिस इज एज इवेंट ई, दिस इज एज इवेंट बी. तो अगर इवेंट ई और इवेंट बी इन दोनों का इंटरसेक्शन हम देखने की कोशिश करते हैं. इंटरसेक्शन मीन्स क्या कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इवेंट बी में भी हैं और इवेंट ई में भी हैं. तो अगर ऐसे कोई एलिमेंट्स हैं जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पर एच 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 एच, दिस इज द इवेंट जो दोनों ही के अंदर है. तो इस तरह के इवेंट्स जिनका इंटरसेक्शन कॉमन कुछ ना कुछ वैल्यू निकलता है
दैट मीन्स वो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हमारे हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स जिनके हैपन होने के इक्वली लाइकली चांसेस होते हैं। तो हमने समझा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं जिनका हमारे पास इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं आ पाएगा। उसके बाद इक्वली लाइकली इवेंट्स ऐसे इवेंट्स जिनके हैपन होने के इक्वल चांसेस हों। इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से डिस्कस कर सकते हैं। मान लीजिए किसी क्लास में किसी भी आर्ट के टीचर ने अनाउंस किया देयर इज पेंटिंग कॉम्पिटिशन। इस पेंटिंग कॉम्पिटिशन में हमारे पास टोटल 4 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं और टीचर वहां पर खड़े होकर उस क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स हैं उन 40 स्टूडेंट्स के नेम की या तो रोल नंबर्स की स्लिप डालकर और कोई भी 4 स्लिप्स निकालते हैं 1, 2, 3 and 4। अब उन स्लिप्स पर जिन भी स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स हैं लेट बी रोल नंबर 23, 36, 40, 1 जो भी रोल नंबर्स उन स्लिप्स पर हैं वो रेंडमली जब निकाले जाते हैं तो उस केस में इक्वली लाइकली इवेंट इसे बोला जाएगा। बट अगर टीचर पहले से एकदम से क्लियर है यस इन दिस क्लास रोल नंबर 12 एंड रोल नंबर 16 ऐसे दो बच्चे हैं जिनकी ड्राइंग जिनकी पेंटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है तो मुझे इन दो बच्चों को तो सेलेक्ट करना ही करना है और इन्हें छोड़कर 10 ऐसे बच्चे हैं जिनमें से मैं कोई दो बच्चे सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो इन दैट केस उन 40 स्टूडेंट्स के लिए जो चांसेस हैं वो इक्वली लाइकली नहीं बनते। नाउ लेट अस डिस्कस द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी। इन एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ आई से दैट एग्जॉस्टिव केसेस टोटल एन हैं और फेवरेबल केसेस टोटल एम हैं फॉर एनी इवेंट ई, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट ई। द प्रोबेबिलिटी इज टोटल फेवरेबल आउटकम्स और टोटल फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल केसेस। यानी टोटल फेवरेबल केसेस को हम डिवाइड अगर कर देते हैं टोटल एग्जॉस्टिव केसेस से सो दैट विल बी नोन एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक कॉइन को वंस टॉस किया एक ही बार टॉस किया तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। यानी एग्जॉस्टिव केसेस हमारे हुए 2 और इनमें से ऐसे कितने केसेस हैं जिन केसेस में मैं बोलती हूँ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। तो हेड आने का एक ही केस है विच इज नॉन एज द फेवरेबल केस इन दिस क्वेश्चन। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड दैट विल बी 1/2। इसी तरह से अगर हम कोई डाई को टॉस करते हैं तो डाई को टॉस करने के केस में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में से आप लूडो खेल रहे हैं तो इन 6 वैल्यूज में से कोई भी एक वैल्यू हमारे पास डाई के ऊपर रोल जब से रोल करेंगे तो आ सकती है। Let me say, find the probability of getting a number 2 on the tossing of a die. तो हमें सोचना होगा कि total exhaustive cases कितने हैं। Undoubtedly, these are 6 cases. और इन 6 cases में से ऐसे कितने cases हैं जिन cases में 2 आ पा रहा है तो ऐसा एक ही केस है which is known as the favorable case for this particular event. Therefore, the probability for this will be 1/6. There are some important statements related to probability जो हमारे viewers को properly पता होनी चाहिए। What these are the sum of the probabilities of all the elementary events, जितने भी elementary events हैं यानी कि ऐसे events जिन सभी को मिलाकर हमारा complete sample space बन जाता है और वो mutually exclusive होने चाहिए यानी उनमें कुछ भी common ना हो तो उन सभी की probabilities का sum हमेशा क्या होगा 1। इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल से देखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि एक कॉइन को हमने ट्वाइस टॉस किया दैट मीन्स HH, HT, TH and TT। लेट मी से ए एक ऐसा इवेंट है ऑफ गेटिंग 2 हेड्स सो ए के अंदर एक ही एलिमेंट हो पाएगा विच इज HH। लेट अस सेट से दैट बी इज द इवेंट इन विच 1 हेड एंड 1 टेल इज ऑकरिंग 1 हेड एंड 1 टेल। तो ऐसे हमारे पास 2 केसेस हैं जिनमें 1 हेड 2 टेल हो सकता है विच आर HT and TH। टेल्स आर देयर। क्लियर कट देख सकते हैं कि इन तीनों इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। ए बी एंड सी
दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इनका इंटरसेक्शन नल है, फाई है, लेकिन इन तीनों को अगर हम मिलाते हैं, इन तीनों की अगर हम यूनियन लेते हैं, तो इन तीनों की यूनियन करने पर हमारे पास क्या आ रहा है, कंप्लीट सैंपल स्पेस बन रहा है। तो इस तरह के सभी एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को अगर हम प्लस करेंगे, वी विल बी एबल टू गेट वन। देख सकते हैं ए की प्रोबेबिलिटी होगी 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट बी इज 2/4 एंड फोर सी इट इज अगेन 1/4। तो अगर आप 1/4, 2/4 एंड 3/4 इन तीनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम कैलकुलेट करते हैं, सो वी आर गेटिंग 4/4 विच इज इक्वल्स टू 1। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट थिंग, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नल इवेंट, दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज 0। इसी तरह से श्योर इवेंट वो इवेंट होता है जो कंप्लीट सैंपल स्पेस को कवर करता है, इसलिए श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है 1। इसके बाद अगर ई कोई इवेंट है तो ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच होती है। इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, इट कैन बी 1/5, 1/2, 3/7। तो सिंपल सा जो हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं बात, वो यही है कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती और 1 से ज़्यादा नहीं होती। यानी अगर मैं आपको एक 1 मार्कर क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि कैन -5 विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, तो आपका आंसर होगा नो। इसी तरह से अगर आपको एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कैन √2 विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, तो हमें पता है कि √2 की वैल्यू मोर देन 1 है, सो दैट कैन नेवर बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। एंड द नेक्स्ट 5th पॉइंट इज दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इट इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट एंड ऑफ नॉट हैपनिंग द सेम, इन दोनों का सम हमेशा 1 होता है। इवेंट ई एंड दिस इज नोन एज नॉट ई, इसका मतलब हुआ कि ई के हैपन ना होने की प्रोबेबिलिटी। जैसे अगर मैं आपको बोलती हूँ कि किसी इवेंट के हैपन होने के चांसेस 3/10 है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो इवेंट हैपन नहीं हो रहा, उसके लिए आप 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को एंड यू आर गेटिंग 1 - 3/10 विच कैन बी फर्दर रिटन एज 7/10। आफ्टर डिस्कसिंग दिस, लेट अस, दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर। And now let us discuss a single question, and I would like our viewers to solve the questions related to the same topic today. But this question is, in the tossing of a die, find the probability of getting the number 4. So abhi humne discuss kiya tha ki iski probability hogi 1/6. The next is number other than 3. So dear viewers, jab aap ek die ko toss karte hain, to 3 na aane ke chances rahenge. 5 एंड व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, दैट विल बी 5/6, क्योंकि हमारे फेवरेबल केसेस 5 हैं। कुसुम जी, इसी तरह से मैं चाहूंगी कि जो क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इसके रिमेनिंग 4 पार्ट्स हमारे व्यूअर्स जरूर सॉल्व करें, अच्छे से सॉल्व करें और सॉल्यूशन हमारे साथ शेयर करें। जी मैम, बिल्कुल करेंगे, सारे बच्चे सॉल्व क्वेश्चंस और अपने फीडबैक जरूर हम तक पहुंचाएंगे। तो मैम, आप इस सेशन में आपने इस आप हमारे जो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स को सारी जानकारी दी, आपने प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया और क्वेश्चन सॉल्व करे, तो आपका इस सत्र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम, धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो स्टूडेंट्स, आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन जो मैम ने बताए, और अपने क्वेश्चन सॉल्व करके हमें ईमेल ज़रूर कीजिएगा और अपने फीडबैक भी ज़रूर हम तक पहुँचाइएगा। तो आज के सत्र के लिए बस इतना ही, और दर्शकों, हम आपको एक बात और महत्वपूर्ण बात आपके साथ साझा करने चाहते हैं, वो ये है कि CIET NCERT द्वारा आयोजित कला उत्सव का सीधा प्रसारण भुवनेश्वर से 3 जनवरी 2023 से 7 जनवरी 2023 तक आप देख सकते हैं। कब देख सकते हैं और कैसे देख सकते हैं, इसके बारे में हम अधिक जानकारी देते रहेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आइए देखते हैं उसकी छोटी सी झलक। इंडिया इज आवर लैंड
of diverse culture and glory. Let's showcase the art with the glimpses of its story. We hear the sound of music, we dance to anklet bells. Paint a picture, make some toys rejoice. Let's do solo acting, let's dance, let's sing and paint. Some toys rejoice. Kala Utsav, Kala Utsav, Kala Utsav, Kala Utsav. Children from every nook and corner will perform. Oh, great! We will have glimpses from each and every state. We hear the sound of music, we dance to anklet bells. Paint a picture, make some toys rejoice. We hear the sound of music, we dance to anklet bells. Paint a picture, make some toys rejoice. The loud song, the loud song. Kala Utsav, an initiative of the Department of School Education and Literacy, Ministry of Education, Government of India, announces Kala Utsav, organized by NCERT from 3rd to 7th January 2023 at Regional Institute of Education, Bhubaneswar. Kala Utsav. Kala Utsav. तो दर्शकों, ये तो थी एक छोटी सी झलक कला उत्सव की, जो बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम है और जिसमें अलग अलग राज्यों से आए बच्चों ने अपने कला का प्रदर्शन किया है। तो आप ज़रूर जुड़िए और अधिक जानकारी के लिए आप देखते रहिए हमारा ई विद्या चैनल्स और एनसीईआरटी ऑफिशियल। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।